हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। किशोरों को हीन भावना से बचाने के लिए बेसिक शिक्षकों को किया प्रशिक्षित। सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई आज। फैसला आने के बाद ही साफ होगी स्थिति। 14 राज्यों के 29 जिलों में कोरोना संक्रमण 10% पार। स्कूल आने के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। प्रसिद्धि बच्चों के रिजल्ट में रोड़ा बना बजट। 30 मार्च तक होगा मूल्यांकन, 31 को रिपोर्ट कार्ड वितरण का है शासनादेश। अब 4 अप्रैल तक जारी होगी बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। मुरादाबाद बालिका शिक्षा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा प्रसिद्धि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 3 दिवसीय जनपद स्तरीय जीवन कौशल, सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण दिया गया। कंपोजिट विद्यालय कांसीराम नगर में मास्टर ट्रेनरों ने शिक्षकों के किशोरों में होने वाले बदलाव और हीन भावना से बचाव की जानकारी दी गई। जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता, आदर्श रूप के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक रोल, मॉडल रूप, हानिकारक बाह्य रूप और आंतरिक गुणों से जुड़ी बातों तथा शारीरिक बातों से उत्पन्न नकारात्मक सोच को बदलने, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित किया। प्रस्तुतिकरण और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दी गई। कॉमिक बुक व पोस्टर के माध्यम से बच्चों की सोच विकसित करने की अपील की गई। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रजत भट्टागर ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण से प्राप्त अद्यतन ज्ञान और नव गतिविधियों को अपने विद्यालय में लागू करने के निर्देश देते हुए प्रेरणा गीत के साथ प्रशिक्षण का समापन कराया गया। प्रशिक्षण में 6 बैचों में जनपद के 4 ब्लॉकों से आए 300 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। मास्टर ट्रेनरों में जय कुमार, नीतू सिंह, प्रतीक शर्मा, पारुल जैन, नवनीत बिश्नोई, दीप कुमार सालनी, रोशनी, जितेंद्र कुमार मालती, गौतम भानु प्रताप रहे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया और 27 मार्च को सुनवाई के लिए नई तिथि तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही प्रदेश में चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। उधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास समेत कानून विभाग के कई अधिकारियों की टीम रविवार को ही दिल्ली पहुंच गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कई दिन पहले सौंप दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होनी है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। इसमें पिछड़ों को अधिकतम 27% आरक्षण देने के बारे में पूरी रिपोर्ट है। सुनवाई के दौरान चुनाव कराने की अनुमति नगर विकास विभाग की ओर से मांगी जाएगी। अनुमति मिलने के साथ ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले 24 मार्च को तारीख लगी थी। नई दिल्ली देश के 14 राज्यों को 29 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% के पार चली गई है। वहीं 59 जिलों में कोरोना को साप्ताहिक संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। कई जिले ऐसे भी है जहां बीते सप्ताह 40% से अधिक नमूने पॉजिटिव मिले हैं। यही वजह है कि एक दिन पहले नई दिल्ली स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए भीड़ में मास्क अनिवार्य करने की सलाह दी। राज्यों के साथ जिला संक्रमण स्थिति साझा करते हुए सरकार को रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 88 जिले चपेट में हैं। हालांकि अभी भी 500 से ज़्यादा जिलों में कोरोना का संक्रमण 5% से नीचे है, जो कि वैश्विक मानकों के मुताबिक नियंत्रण स्थिति मानी जा सकती है। हालांकि कुछ राज्यों के जिलों में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि यहां सुपर स्प्रेडर को रोकना बहुत जरूरी है। दिल्ली के लिए ठोस उपचार अपनाने की सलाह। 18 से 24 मार्च के बीच पॉजिटिव मिले नमूनों को जिलेवार रिपोर्ट के मुताबिक पूरी और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सबसे ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 11 में से 2 जिलों में संक्रमण 10% ज़्यादा है, लेकिन 4 जिलों में यह 5 से 10% के बीच है। दिल्ली के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तत्काल ठोस उपाय करने की सलाह दी है। न्यू म्यूटेशन के दम पर बढ़ रहा कोरोना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे वायरस का यह न्यू म्यूटेशन है, जिसकी पहचान अब तक 14 से भी अधिक देशों में हुई है। भारतीय अस्पतालों में अभी इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह स्थिति कब तक बनी रहती है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। यह समझने का है क्योंकि कोविड सतर्कता नियम का पालन करने से संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है। 5 महीने में 10 गुना बढ़ा कोरोना। 149 दिन बाद 24 घंटे में 1890 मरीज। नई दिल्ली तीसरे लहर के बाद 5 महीने में पहली बार कोरोना संक्रमण में 10 गुना हुई है। 149 दिन बाद देश में कोरोना के 1.890 नए मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्री के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,433 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड में कुल 6 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले बीते 23 मार्च को कोरोना के 1.133 नए मामले दर्ज किए गए थे और 4 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण की दैनिक दर 1.56% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर चढ़कर 1.29% तक पहुँच गई है। नए मामलों की तुलना में अब स्वस्थ होने की दर भी कम होने लगी है। बीते दिन 1,890 नए मामलों की तुलना में 1,051 मरीजों को स्वस्थ किया गया। नवीन सत्र में कक्षा एक में स्कूल रेडनेस गतिविधि कैलेंडर आधारित कक्षा शिक्षण संचालन के संबंध में रेडनेस गतिविधि का कैलेंडर जारी। 12 सप्ताह अलग अलग गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पहले कक्षा के एक बच्चे 12 हफ्ते तक बस खेलेंगे। 12 सप्ताह तक बच्चों को स्कूल से जोड़ने वाली गतिविधियाँ होंगी। बीसी विभाग ने स्कूल रेडनेस कैलेंडर के तहत कई गतिविधियाँ जारी की हैं। बच्चे सुनेंगे कहानियाँ। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 12 सप्ताह के स्कूल रेडनेस के लिए समय सारणी तैयार। लखनऊ प्राइमरी स्कूलों के कक्षा एक के बच्चे शुरुआत के 12 हफ्ते सिर्फ खेल कूद की विभिन्न गतिविधियों से स्कूल के माहौल से जोड़ेंगे। बच्चों को कहानियां सुनाई जाएंगी। शब्द ज्ञान के साथ रोज उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों और वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा। कई गतिविधियाँ जारी की। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल रेडनेस कैलेंडर के तहत कई गतिविधियाँ जारी की है। स्कूल महानिदेशक ने BSA को निर्देशित किया है कि 10 अप्रैल से लागू कराएं बाल वाटिका व कक्षा एक में दाखिला लेने वाले बच्चों को स्कूल रेडनेस कैलेंडर गतिविधियों के तहत 12 हफ्ते तक सिखाया जाएगा। इसमें शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। शिक्षक बनाएंगे डायरी। शिक्षक गतिविधि वार डायरी बनाएंगे। इसी के तहत बच्चों को खेलकूद व अन्य गतिविधियाँ बताएंगे। कक्षा एक में सीखेंगे भाषा, साक्षरता कौशल और रचनात्मक गतिविधि। बीसी शिक्षा विभाग ने जारी किया स्कूल रेडनेस गतिविधि कैलेंडर। पहले 8 सप्ताह की संदर्शिका विद्यालय को भेजी, इसके अनुसार होगी पढ़ाई। लखनऊ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत के तहत बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा एक में पठन पाठन शुरू कर रहा है। अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र के लिए 12 सप्ताह का स्कूल रेडनेस गतिविधि कैलेंडर भी जारी किया गया है। इसमें बच्चे भाषा, साक्षरता कौशल, गणित, विज्ञान और रचनात्मक गतिविधि सीखेंगे। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी BSA को कैलेंडर के मुताबिक पठन पाठन सुनिश्चित करने को कहा है। 1 से 9 अप्रैल तक बच्चों के नामांकन व चयन के अंतर्गत अभिभावकों को जागरूक भी किया जाएगा। 10 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। इसके तहत शुरुआत के 8 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर व शिक्षक संदर्शक कभी प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को भेजी जा रही है। इसमें बच्चों को सुबह के 30 मिनट शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करेंगे। बाद में किताब, ब्लॉक, पहली आदि से पढ़ाएंगे। इसी क्रम में शिक्षक बच्चों में गणित और वैज्ञानिक सोच के लिए गतिविधि आयोजित करेंगे। बच्चों की पसंद के खेल आयोजित करेंगे। बच्चों को खान पान से परिचित कराएंगे और उनकी पसंद जानकर चर्चा करेंगे। यह है समय सारणी। 1 से 9 अप्रैल कक्षा एक में नामांकन और चयन के तहत अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम। 10 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी होने, 5 सप्ताह की गतिविधियां। 16 मई से 15 जून गर्मी की छुट्टियां, 16 से 24 जून 5 सप्ताह गतिविधियों को दोहराव। 16 जून से 15 अगस्त 6 से 12 सप्ताह गतिविधियां। 15 से 31 अगस्त प्रगति आकलन व अभिभावकों को इससे अवगत कराना। बच्चों के रिजल्ट में रोड़ा बना बजट। 30 मार्च तक होगा मूल्यांकन, 31 को रिपोर्ट कार्ड वितरण, का है शासनादेश। लखनऊ जिले के 1,617 प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 33,000 नौनिहालों को इस बार भी बिना रिपोर्ट कार्ड के मौखिक रिजल्ट बता दिया जाएगा। इसके पीछे बजट की समस्या आड़े आ रही है। 24 मार्च को प्रसिद्ध स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। रविवार को वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था। मूल्यांकन 30 मार्च तक पूरा होगा। 31 मार्च को शिक्षकों को परीक्षा फल की घोषणा कर रिजल्ट कार्ड वितरित करना है, लेकिन अब तक स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होकर नहीं पहुंचे हैं। अधिक परेशानी उन बच्चों को है जो प्रसिद्ध स्कूलों से शिक्षा पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय जाएंगे। बिना रिपोर्ट कार्ड के प्रवेश में दिक्कतें आएंगी। पिछले साल भी बजट बना था रोड़ा। पिछले वर्ष भी बहुत कम बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिल पाए थे, जिससे दूसरे स्कूलों में प्रवेश मुश्किल हो गया था। इस बार अभी तक रिपोर्ट कार्ड मिलने विनय कुमार की कोई जानकारी नहीं है। विनय सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन। कंपोजिट ग्रांट से कर लें व्यवस्था। 31 मार्च को तय शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षा फल की घोषणा होगी। रिपोर्ट कार्ड भी बंटवाया जाएगा। जहां रिपोर्ट कार्ड नहीं पहुंचा वहां शिक्षक कंपोजिट ग्रांट से धनराशि निकालकर रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था कर लें। राजेश सिंह, BEO मुख्यालय प्रयागराज। प्रसिद्ध शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची अब 4 अप्रैल तक जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 25 मार्च को सभी BSA को पत्र जारी कर 4 अप्रैल तक NIC के पोर्टल पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं 5 से 11 अप्रैल तक पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करेंगे और 12 से 15 तक आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। 19 अप्रैल को शाम 4 बजे तक अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।